She's someone who is known for her bold and sizzling avatar. She has managed to make it big in the entertainment industry. She's none other than Sunny Leone. Yes, you heard that right. Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case agar abhi tak aapne hamare channel DNP ko subscribe nahi kiya, then what are you waiting for? Please kar le. Thank you. And I'm back with another lifestyle, beauty and health related segment. Yes, you heard that right. Well, we know for a fact that Sunny Leone is very popular. Unhone bahut si बड़ी फिल्मों में काम किया है, चाहे वो रागिनी MMS 2 हो या जिस्म 2 हो या फिर MTV स्पिट्स वेला। जी हाँ, जो यूथ के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर डेटिंग रियलिटी शो है। शी इज़ द स्ट्रॉन्ग होस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर शो एज वेल एंड शी इज़ ऑफ कोर्स अ पॉपुलर फेस एंड लाइक आई सेड शी हैज़ मैनेज टू मेक अ नेम फॉर हरसेल्फ इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एज वेल। बट अदर देन दैट, सनी इज ऑल्सो नोन फॉर हर फ्लॉलेस रेडियंट एंड ब्यूटिफुल स्किन। जी हाँ, वेल उनकी ब्यूटी की तो क्या ही बात करें, बट अगर उनकी स्किन की बात होती है तो सब कोई, जी हाँ, स्पेशली उनके फैंस जो हैं उनसे जानना चाहते हैं। और उनसे यू नो, हम इंस्टाग्राम सेशंस में या फिर जो उनके आस्क मी एनीथिंग सेशंस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि कैसे उनके फैंस उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी इस ब्यूटिफुल स्किन का राज क्या है। सो आज के इस लाइफ स्टाइल एंड ब्यूटी रिलेटेड सेगमेंट में आई विल बी टॉकिंग अबाउट 5 थिंग्स, टिप्स एंड ट्रिक्स दैट दिस ब्यूटी गोज फॉर इन ऑर्डर टू गेट दैट फ्लॉलेस एंड क्लियर स्किन। सो लेट्स जंप इन। तो सनी लियोनी ने एक इंटरेक्शन में बताया था कि कैसे एक टाइम ऐसा था कि उनकी स्किन जो थी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो रही थी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि हमेशा से उनको कभी कोई एक्ने की या कोई जिट्स या पिंपल की एज सच कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट देन एक टाइम ऐसा था कि उनकी जो स्किन थी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट कर रही थी, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से था या कुछ और, उनको उसका रीज़न एज सच नहीं पता था। बट देन इट इज़ देन कि उन्होंने एक होम रेमेडी का सहारा लिया, विच इज़ एलोवेरा प्लांट। जी हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक एलोवेरा प्लांट का जो एक पत्ता होता है वो लिया, उसको कट किया बीच में से, और जो उसके अंदर का पल्प जो होता है, जी हाँ, उसके अंदर के पल्प जो है अपने फेस पर लगाया एंड शी मेड श्योर कि वो एटलीस्ट वीक में 4 से 5 बार ऐसा करें। और जब उन्होंने देखा कि वो जो एलोवेरा को डायरेक्टली अपने फेस पर लगा रही हैं, दैट इज़ उसका पल्प जो है वो अपने फेस पर लगा रही थी, तो जो रिजल्ट्स थे उनको इंस्टेंटली दिखे और जो ये पिंपल्स की है, जो ब्रेकिंग आउट की जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी वो उससे बच गई और उनकी जो स्किन थी एक्चुअली केम बैक टू नॉर्मल। क्योंकि उनका कहना था कि जो उनकी स्किन पर जो ज़्यादा हीट आ रही थी या कहीं ना कहीं जो दैट वाज एक्चुअली लीडिंग टू द ब्रेकआउट, उसको एलोवेरा ने कूल डाउन किया और उनकी स्किन फिर से ठीक हो गई। सेकेंड थिंग दैट दिस ब्यूटी गोज़ फॉर इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन। जी हाँ, जो उन्होंने बोला है कि उन्होंने घर पर अपनी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन रखी है, विच इज़ एक्चुअली रियली गुड फॉर द स्किन, स्पेशली इफ़ यू वॉन्ट टू टाइटन अप योर स्किन एंड पोर्स। तो उसके लिए एट होम जो ये फ्रीक्वेंसी मशीन्स होती हैं, इससे आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखते ही हैं। सो द थर्ड थिंग दैट दिस ब्यूटी गोज फॉर इज दैट शी मेक्स इट अ पॉइंट कि व्हेनेवर शी इज़ गोइंग टू बेड शी विल नेवर हैव एनी पीस ऑफ मेकअप ऑन। जी हाँ, उन्होंने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोने से पहले हर एक पार्टिकल ऑफ मेकअप जो है अपने फेस से हटाओ, चाहे आपको उसके लिए डबल क्लेंजिंग ही क्यों ना करनी पड़े। उन्होंने बोला है कि वो पहले मेकअप रिमूवर से हटाती हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक ड्राई स्किन टाइप हो तो आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स भी यूज़ कर सकते हो, इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सफोलिएट। एंड अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे थोड़ा भी मेकअप है, देन मेक श्योर कि आप उसे हटाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे देन आपकी स्किन डेफिनेटली ब्रेकआउट होगी और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ दैट एक्सेस मेकअप बिफोर गोइंग टू बेड एंड दैट इज समथिंग दैट शी अबाइड्स टू। द फोर्थ थिंग दैट सनी लियोनी लव्स इज़ हर रिंकल क्रीम। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि हमें लगता है कि जब हम 40s में आएँ तभी हम वो जो रिंकल क्रीम्स होती हैं, चाहे वो डिफरेंट ब्रांड्स की होती हैं, हम तभी उसे यूज़ करें, बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनका ये मानना है दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एंड अगर आप अपने 20s में ही अपने अंडर आइज़ या अगर आपको लगता है कि आपके फेस पर कोई इफेक्टेड एरिया है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, अगर आप उसी में रिंकल जो वाली क्रीम होती है वो लगाना शुरू कर दें, तो आपको आगे जाके, जी हाँ, इन द फ्यूचर जो है उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली दिखेंगे। एंड लाइक आई सेड, शी बिलीव्स इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, देन व्हाई नॉट स्टार्ट ट्रीटिंग योर स्किन फ्रॉम बिफोर हैंड ओनली, एंड दैट इज द रीजन शी लव्स हर रिंकल बेस्ड क्रीम।
Last but not the least, the fifth thing and the fifth skincare tip that Sunny Leone abides to is her sheet mask. जी हाँ, उनका ये कहना और मानना है कि अगर आपको अपने फेस पर एक इंस्टेंट ग्लो चाहिए प्लस एक हाइड्रेशन चाहिए, then sheet mask is the key and something that she makes the point to include in her skincare routine as well. So ये तो थे वो पांच tips and tricks that Sunny Leone goes for in order to get that flawless, radiant and clear skin. And that was all for today's lifestyle and beauty related segment. अगर आपको हमारा आज का content और video पसंद आया, then please don't forget to like, share and subscribe to DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.